आप सभी प्रिय दर्शकों का स्वागत है। बात करेंगे यस बैंक के बारे में। प्रशांत कुमार जी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बोर्ड को रिकमेंडेशन किया है फंडिंग अप्रूवल के लिए। अब फंडिंग क्यों चाहिए? देखिए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट को अगर अप्रूव करना होगा, लोन देना होगा उनका अप्रूवल, तो उसके लिए पैसे की जरूरत है, जिसके लिए फंडिंग की अप्रूवल चल रही है डिस्कशन विद बोर्ड। अगर ऐसा हो जाता है तो इनके पास सरप्लस फंड होगा, जिसके चलते हुए इनको प्रॉफिटेबिलिटी और ज्यादा बढ़ेगी। दोस्तों, सिंपल सलाह, एक भी शेयर मत बेचना यस बैंक का। ये लॉन्ग टर्म का एक बहुत बढ़िया स्टॉक है आपके लिए और अच्छी वैल्यूएशन में मिल रहा है। आज ऑलमोस्ट 13.05 रुपए तक भी गिर गया था। अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है यहाँ पर। अगर यस बैंक की बात करें तो देखिए, इनके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इनके पास बैड लोन बुक है। अब ये उसको रिमूवल करके एक सेपरेट कंपनी बनाना चाह रहे हैं। आर्क जैसे पहले प्रपोजल आया था, वैसे ही अब बैड बैंक का प्रपोजल आ रहा है। आरबीआई इसको अगर अप्रूवल कर देती है तो एक ही बार में सारे बैंकों की धुलाई हो जाएगी, यहां से अपने बैड लोन्स निकाल सकते हैं। इन्होंने यस बैंक की एक अच्छी खबर यह है कि एसटीपीआई के साथ साइन किया है, जिसके चलते हुए जो नया इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है उसमें ये बहुत अच्छा कोलैबोरेट करेंगे विद स्टार्टअप कंपनीज और इनोवेशन करने में उनको हेल्प करेंगे। तो ये देखिए, एसटीपी टेक्नोलॉजी की बात करें तो 6 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू साइन किए हैं यस बैंक और अदर बैंक्स के साथ में, जिसके चलते हुए ये डिफरेंट एपीआईज प्रोड्यूस करेंगे, ब्लॉकचेन, बिग डाटा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और इनके साथ में अदर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ यहां पर काम करेंगे। लॉन्ग टर्म में वृद्धि होगी स्टॉक के प्राइस में। यहां पर बाय करना चाहिए आपको हमारे हिसाब से। बोर्ड का अप्रूवल आते के साथ ही ये स्टॉक फिर आपके हाथ नहीं लगेगा। बहुत अच्छी वैल्यू बाय मिल रही है अभी, रेडी फॉर टेक्निकल ब्रेकआउट। यहां से एक अच्छे वैल्यूएशन लोअर लेवल पर पहुंच गया है। यहां पर देखिए, इन्होंने पे नियर बाय के साथ भी पार्टनरशिप की है यस बैंक ने, और 1000 बीसी सेंटर्स के साथ उन्होंने यहां पर कोलैबोरेट कर रहे हैं। इनकी अर्निंग कैसे होती है? सिंपल बात है, बैंक्स की अर्निंग फीस बेस्ड अर्निंग होती है। जितने ज्यादा ट्रांजैक्शन होंगे उतनी ज्यादा फीस होगी, उतनी ज्यादा इनकी अर्निंग होगी, और यही उनको लीड करेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंप्रूवमेंट में, जो कि एक बहुत अच्छी पहल है। हमारे हिसाब से आप इसको बाय कीजिए और होल्ड रखिए, ये बहुत बढ़िया स्टॉक रहेगा आने वाले 3 साल में। इसका टारगेट हमारे हिसाब से 50 रुपए का है। प्लीज कंसल्ट फाइनेंशियल एडवाइजर। यही चलकर जरा भाव का टेक्निकल व्यू देखते हैं और कैसे कहना है बहुत अच्छा। 13.05 रुपए, काफी टाइम इसने ट्रेड किया है 13.05 रुपए के आसपास। और देखिए यहां पर अब ये बुलिंजर बैंड के ऑलमोस्ट नीचे के हिस्से में आ गया है, जो कि बुलिंजर बैंड की बैंडविड्थ 7 है। तो यहां से बहुत अच्छी वैल्यू इमर्ज हो रही है इसको बाय करने के लिए। अगर हम बात करें यस बैंक का स्पेसिफिकली, ये जो लोल बनाया था इसने मई के शुरू में 12.85 रुपए, ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है और उसके ऑलमोस्ट उसके पास पहुंच गया है। यहां पर आप चाहें तो अपने पोर्टफोलियो में इसको ऐड कर लीजिए। ये एक मल्टीबैगर स्टॉक आपको मिल रहा है, जो सबसे पहला टारगेट होगा इसका 20 रुपए का, फिर से टारगेट लगे रहेगा। हमने पहले भी इसको 13 रुपए में खरीदा था और 19 रुपए के आसपास उसको बेच दिया था। अब हम फिर से अपनी पोर्टफोलियो में इसको ऐड कर रहे हैं और अपने पेड मेंबर्स को भी हम यहां पर ऐड करा रहे हैं। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, अगर कुछ स्टडीज ऐड की जाए तो देखिए, सबसे पहले अगर हम स्टडीज बात करें यहां पर, तो वोर्टेक्स इंडिकेटर अगर हम यहां पर दिखाएं, ये आपको मूवमेंट से पहले ही, प्राइस मूवमेंट से पहले ही आपको मूवमेंट दिखा देता है। तो देखिए, अभी के लिए यहां पर वोर्टेक्स इंडेक्स इंडिकेटर ओवर सोल्ड जोन में आ चुका है 1.22 वैल्यू के रेफरेंस में। तो यहां से अच्छा वैल्यू बाय एमर्ज होगा। सेम केस आरएसआई का 33, ये भी ओवरसोल्ड जोन में आने की शुरुआत कर रहा है और आरएसआई के साथ में सुपर ट्रेंड का कॉम्बिनेशन बता रहा है कि यहाँ पर एक कंटिन्यूअसली लोअर लेवल पर गिरा हुआ है, जिसके चलते हुए ये एक काफी अच्छा बाउंस बैक दिखाएगा और सबसे पहला टारगेट इसका 14 रुपए का क्रॉस करके फिर ये 16-17 रुपए तक पहुंच सकता है। तो अगर आपने अभी तक यहाँ पर इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड नहीं किया है दोस्तों, तो आप इसको ऐड कीजिए। हमारा व्यू बहुत बुलिश है इस पर्टिकुलर स्टॉक में और हमारे हिसाब से ये एक मल्टीबैगर स्टॉक बनेगा आपका लॉन्ग टर्म के लिए। वैल्यूएशन की दृष्टि से बहुत बड़े वैल्यू है। और अगर आपने हमारी सर्विस 3 हफ्ते पहले ली होती तो देखिए, वन ऑफ द न्यू मेंबर हैव जॉइन और उन्होंने 1.16 लाख रुपीज अर्न किया। आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। ये रहे 4 वीडियो और अगर आपको सर्विस यूज करनी है तो हमें मेल ड्रॉप कर सकते हैं। जय हिंद भारत।